टू 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। गुजरात में फिलहाल बाबा बागेश्वर मौजूद है। महाराष्ट्र और बिहार के बाद एक भव्य दरबार जो है वो गुजरात में बाबा का सज चुका है। सूरत के मंच से हमने देखा कि आखिर बाबा की तरफ से किस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग की गई, लव जिहाद का जिक्र करते हुए बाबा नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में आज अहमदाबाद में बाबा का दरबार सजने वाला है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई है, जहां पर लाखों की संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच में आप समझिए कल का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से जघन्य हत्या एक लड़की की गई, उस पर बाबा बागेश्वर ने पहली बार खुलकर बातचीत की। न्यूज 18 इंडिया से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देखिए ये पूरी तरीके से लव जिहाद का मामला है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक साथ मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाना होगा और हिंदू राष्ट्र ही इसका जवाब है। एक बार आपको सुनाते हैं बाबा बागेश्वर ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमारे साथ तमाम बातचीत को लेकर जुड़े हुए हैं। बाबा आपने सूरत के मन से लव जिहाद का जिक्र किया और कल हमने राजधानी दिल्ली में देखा कि आखिर एक लड़की की किस तरीके से हत्या हुई, जिसमें लव जिहाद का एंगल भी निकलकर सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को लगता है कि हम विवादित बयान देते हैं, लोगों को लगता है कि हम विचित्र बयान देते हैं, अपितु हमारे बयान में इस राष्ट्र की पीड़ा छिपी हुई है। प्रत्येक बात में हम इस राष्ट्र के प्रति दिन ना रात पीड़ा से ग्रसित हैं। हमने जो बात लव जिहाद की पूर्व समय से उठाई, लोगों को लगता था कि ये सिर्फ बातें बनाने की बात करते हैं, इसीलिए आपने कल प्रत्यक्ष देखा किस कितनी बर्बरता से चाकुओं का प्रहार करके हमारी बहन को मारा गया। इस देश का दुर्भाग्य और भारत में रहने वाले हिंदुओं का दुर्भाग्य, और उसके हाथ में कलावा देखकर देख लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश गहरे तरीके से चल रही है हमारे सनातन धर्म को मिटाने की। इसीलिए हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, लेकिन इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब हिंदुओं को चूड़ियाँ पहनकर नहीं, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। भगवान का नाम लेने से, इस राष्ट्र के जो आराध्य राम हैं, उन आराध्य का नाम लेने से दंगे भड़कते हैं कि शांत होते हैं? भगवान नाम से शांति मिलती है क्या अशांति, ये उनको निर्णय करना चाहिए। तो हर सवाल का जवाब बड़ी ही बखूबी से धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि देखिए ये पूरी तरीके से लव जिहाद का मामला और ये खबर देखकर मेरा भी खून खौल उठा था। लेकिन इन सब के बीच में आपको एक और अलग तस्वीर दिखाते हैं। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की एक वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री का एक अलग ही जो है वो मोर के साथ डांस करते हुए नजर आए। ये तस्वीर आप देखिए, जिसमें दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री डांस करते हुए उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक अनोखा अंदाज जो है इसमें धीरेन्द्र का देखने को मिला, इसमें वो दरअसल मोर के साथ डांस करते हुए मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ईश्वर की तरफ से हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार की जा रही है, उस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। एक तरफ कई ऐसे लोग हैं, साधु संत महाराज जो हैं, जो उनके समर्थन में आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जो हैं, वो साफ तौर पर जो है बाबा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज अहमदाबाद में जो है बाबा का कार्यक्रम होना है, ठीक इससे पहले सूरत में बाबा का दो दिन कार्यक्रम हुआ, जिसमें सूरत के मन से बाबा की तरफ से ये कहा गया कि देखिए मुझे किसी भी राजनीतिक दल से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान का भक्त हूँ। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। किसी भी पार्टी से ना जुड़े, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली। बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर एक तरफ सियासत तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में कई संत आ गए। उज्जैन में महामंडलेश्वर स्वामी शैलेश नाथ महाराज ने न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया,
बल्कि उनके बयान में सनातन शब्द भी जोड़ दिया। तो हिंदू राष्ट्र जो है वो एक व्यापक अवधारणा है और उससे व्यापक शब्द उसके आगे लगना आवश्यक है जो कि है सनातन राष्ट्र। सनातन के अधीन जितने हम संप्रदाय मान रहे हैं वो सब आते हैं, और रही बात राम राज्य की, तो राम राज्य एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ सनातन हिंदू राष्ट्र है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा विवाद की स्थिति निर्मित होती है। हमें याद रखना होगा कि हमारी जो बौद्धिक संपदा थी, तक्षशिला जैसी, हमारे नालंदा जैसी, विक्रमशिला जैसी और शारदापीठ जैसी, इनको ध्वंस किसने किया था? तो अब समय है कि हम वापस से हमारे राष्ट्र के उस गौरव को सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करें। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के बयान को कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। यहाँ इंसानियत धर्म निभाने की जरूरत है। यदि इंसानियत का धर्म यदि ध्वस्त हो गया तो न राम राज्य काम आएगा, न हिंदू राष्ट्रवाद काम आएगा। कांग्रेस के बयान के उलट एक और धर्मगुरु और उज्जैन के स्वास्तिक पीठ के प्रमुख डॉक्टर अवधेशपुरी जी महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री की मांग को संविधान से जोड़ दिया। उनकी मांग को सही ठहराते हुए उन्होंने संविधान के मुताबिक बताया, और व्यवहारिक दृष्टि से सनातन धर्म के लिए हिंदू धर्म का ही प्रयोग होता चला आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र का उच्चारण कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, उस हिंदू राष्ट्र में ही हम राम राज्य की परिसंकल्पना करते हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मांग पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हमलावर हो गए। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक प्रदीप मिश्रा को लेकर विवादित बयान तक दे दिया। धर्म की भी दुकानें खुल गई है, ये भी सुनने लायक बात है। धर्म की भी दुकान खुल गई, पहले छोटी दुकान देती थी, अब बड़ा जनरल स्टोर खुलेगी। वो धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम वाला, एक सीवर वाला प्रदीप मिश्रा, बड़ी दुकान खोल ली। इस सब के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की कि उन्हें किसी पार्टी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनकी हिंदू राष्ट्र की मांग किसी मजहब या पंथ के विरोध में नहीं बल्कि सनातन के समर्थन में है। ना करेंगे सूरत के लोगों से और गुजरात के लोगों से, हमें किसी भी पार्टी से ना जोड़े, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की। हमारी प्रार्थना है, हम ना किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, राजनेताओं से भी प्रार्थना है, हमारे पास सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत, हनुमान जी की कृपा पाना है तो आना। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री भले ही उनके बयान को किसी पार्टी से जोड़कर नहीं देखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनके बयान पर सियासी बयान थमने का नाम नहीं ले रहा।